हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज का सुबह बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि आज सुबह सुबह मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। और आज ना 2 दिन के बाद बाहर धूप निकला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बाहर। तो थोड़ा सा मैं बाहर देख के आई, क्योंकि हमारा यहाँ पर ना सब्जी वाला आता है सुबह सुबह, तो उसका शायद आया है ऐसे सुनाई दिया मुझे। तो बाहर निकले से बहुत चला गया है शायद। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, तो आयुष अभी सोया है, तो वो सोया है, तो मैं जल्दी फटाफट काम सारे ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि वो जब उठ जाएगा तो थोड़ा भी काम मुझे करने नहीं देगा ये। तो अभी आयुष के पापा भी उठ चुके हैं और वो फ्रेशअप हो रहे हैं जाके। तो अभी आयुष के पापा भी फ्रेशअप होके आ जाएंगे, उसके बाद मैं उनके लिए भी टिफिन बनाने वाली हूँ। और उसके साथ आयुष अभी सोया है, तो मैं जल्दी जल्दी घर का काम सारे ख़त्म कर लूँगी, वरना वो जब उठ जाएगा मुझे एक भी काम करना नहीं देता है। बहुत ही शैतान बच्चा है मेरा, दिन भर ऐसे परेशान करता रहता है मुझे और उनके आयुष के पापा को। जब ऑफिस से चले आते हैं ना, उसका नौटंकी शुरू हो जाता है, उनके पापा के साथ खेलता रहता है। और बहुत ही शैतान है मगर बहुत ही प्यारा भी है। और अभी देखिएगा, इसमें आज का मेरा फुल रूटीन, मतलब सुबह से मैं क्या सब करती हूँ आप सबको मैं ये शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो से। और आई होप आप सबको अच्छा लग जाए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वर्षा पत्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, अभी तो सोया है इसीलिए मैं झाड़ू भी मार रही हूँ। झाड़ू ख़त्म होने के बाद ये देखो सोफ़ा कवर भी सारे निकाल के फेंक देता है। मैं रोज़ ऐसे सजाती हूँ, वो रोज़ निकाल के फेंक देता है, उसका वही काम है। घर में जितना भी साफ कर लो क्या, मगर आयुष जब उठ जाएगा सोके तो घर का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। सच में इतना गंदा करता है ना, कोई भी अगर हमारे घर साढ़न आ जाएंगे ना, वो देख के चौंक जाएंगे, ये क्या इतना गंदा रखती है, सोचेंगे। मगर गाइस मैं क्या करूँ, मैं रोज़ साफ करती हूँ, वो रोज़ ऐसा ही गंदा करता है। छोटा है अभी तो ऐसा ही शरारत करता रहता है, तो कोई बात नहीं। अभी देखिए कितना धूप निकला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी ना सुबह के 7 बजे है, मगर कितना धूप निकला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि इतने दिनों के बाद बारिश बारिश इतना हो रहा था, अभी बारिश बंद हुआ तो अच्छा लग रहा है थोड़ा। अभी मुझे मेरा बहुत सारा आयुष का और आयुष के पापा भी उनका क्लॉथ सारे हैं जो कि साफ करना है मुझे, वो सब आज कर लूँगी, क्योंकि आज धूप निकला है कर लूँगी, वरना कल और बारिश हो जाएगा, कुछ गारंटी भी नहीं है। उसके साथ अभी देखिए मैं अभी सोफ़ा कवर डालूँगी, तो यहाँ पर सोफ़ा कवर डालने के बाद और भी कुछ काम है जो कि कर लूँगी। और आज मेरा फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप सबको अच्छा लगे। और मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा है, इसीलिए आप स्किप मत करिए, ज़रूर देखिए वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आयुष का तो नौटंकी, उसका देख के ना आप लोग हंस हंस के पेट दर्द करेगा, इतना सब है ये सब। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए सब, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ मेरा। और अच्छा लगा तो आप कॉमेंट भी करिए। तो देखिए अभी मैं साफ कर रही हूँ, साफ करने के बाद तो अभी देखिए बारिश का सीज़न भी चल रहा है, चारों ओर तो बारिश बारिश इतना हो रहा है कि हम लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, कहीं भी कुछ खरीदना है तो जब ऐसे थोड़ा सा धूप निकलता है तो उसी टाइम पर जाकर ना चले आते हैं। अगर शाम को होगा तो हम कहीं पर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आज सोच रही हूँ, मुझे ना थोड़ा सा मार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए था, तो मैं अभी उनको बोलूँगी, मगर क्या करे, वो भी उनका टूर है, वो बोल रहे थे आज तो नहीं हो पाएगा, वो बोले तो ठीक है, जब उनका जयपुर में रहेंगे वो ऑफिस में, तो मैं तब उनको बोलूँगी जाने के लिए मार्केट से, मुझे कुछ चीज़ खरीदना है तो खरीद के लाऊँगी। और उसके साथ अभी देखिए अभी मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरा
फाइनल लुक कैसे लग रहा है मेरा? अच्छा लग रहा है ना, मगर अभी के ये अच्छा लग रहा है। जब आई सूट अभी तो अच्छा लग रहा है, जब आई सूट जाएगा ना फिर से गंदा कर देगा। कोई बात नहीं इस पर भी। अभी देखिए अभी हमारा टिफिन भी हो चुका है, हम खा चुके हैं, यहाँ पर ना बर्तन भी निकला है इतना सारा, तो मैं जल्दी जल्दी साफ कर देती हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं रखती हूँ, बर्तन सारे निकले जब भी थोड़ा सा भी निकलेगा तो जल्दी जल्दी साफ करके रख देती हूँ। और उसके साथ मेरा ना आप लोग इस वर्षापत्र ब्लॉग चैनल पर ही मेरा कुकिंग वीडियो भी मैं छोड़ती हूँ, जो कि रेसिपी छोड़ती हूँ, जो कि आप लोग देखते हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए गाइस। उसके साथ देखिए अभी ये बर्तन का थाली सब अच्छे से साफ़ करने के बाद और भी कुछ काम है। और अभी तो आयुष सोया है, जब उठ जाएगा उसको थोड़ा ऑयल मालिश करना है, और ऑयल मालिश होने के बाद उसको नहाना भी है। अभी देखिए आयुष भी उठ चुका है और उसको नहला के लेके आ चुकी हूँ। अब भी देखिए उसका नौटंकी शुरू हो जाएगा, ये कैमरा देख के ना पागल हो जाता है, मतलब इतना उसका क्रश है कैमरा में, बोलो मत। जब भी देखता है कैमरा के पास जाके हंसता रहता है, क्या क्या बोलता रहता है। और मुझे तो और उसके साथ ना टाइम कैसे चला जाता है हमारा, दिन रात कुछ भी पता नहीं चलता है। और आयुष को अभी कितना दिन हो गया है, वो रात भर नहीं सोता है, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है जल्दी उठने में, तो ट्राई करती हूँ जल्दी उठने के लिए भी, और वो नहीं सोता है क्योंकि मुझे भी नहीं पता चल रहा है, वो रात भर ऐसे रोता रहता है, मगर दिन भर आराम से सो जाता है। और अभी देखिए नहा के आ चुका है कैमरे के पास, देखिए कैसे हंस रहा है और कैमरा को ही देख रहा है। उसका नौटंकी शुरू हो जाएगा अभी देखिए, मुझे मतलब इतना तंग करता है मुझे, बोलो मत। एक क्रीम लगाने के लिए भी वो एक पास कभी नहीं बैठता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। देखिए अभी भी दौड़ने के लिए शुरू हो गया उसका। और अभी जब भी फ्रेश हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा काम ज़्यादा, जब आयुष ना नहा के आता है और मैं उसे फ्रेशअप करके कुछ खिला लेती हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि कि मेरा आधा काम ख़त्म हो चुका है, ऐसे लगता है सच में। अगर वो नहीं खाया होगा, नहाया नहीं होगा, तो मुझे लगता है मेरा घर का सारे काम इतना पड़ा है, इतना काम है क्या, ऐसा लगता रहता है। मगर ऐसा भी देखिए फ्रेशअप हो गया है और उसको पाउडर लगाती हूँ ना, थोड़ा भी उसको पसंद नहीं पाउडर लगाना, मगर मैं उसको पकड़ के जोर ज़बरदस्ती लगाती हूँ, इसलिए वो गुस्सा भी हो जाता है बार बार। अभी देखिए उसका डांस शुरू हो गया, वो आना कभी भी कहाँ पर भी एक पास बैठता नहीं है, ऐसे ही घूमता रहता है, वो बेड के ऊपर डांस करता रहता है। उसे एक कपड़ा भी पहनने के लिए, उसको टी शर्ट पहनने के लिए भी मुझे उसको पकड़ कर लाना पड़ता है। और अभी देखिए उसका नौटंकी अभी पहन चुका है टी शर्ट, उसके बाद अभी पैंट पहनना है। जब पैंट पहनेगा तब मेरा थोड़ा रिलैक्स लगेगा, क्योंकि मैं सच में मैं थक गए उसके साथ, आधा घंटा हो गया उसके पीछे ही मैं पड़ी हूँ, जब से वो उठ चुका है मैं उसके पीछे ही पड़ी हूँ, मुझे थक गई सच में। और देखिए अभी ना वो कुशन देखिए रेड कलर का है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, उसको पकड़ता है, और एक उसका सोल है येलो कलर का, उसको छोड़ता भी नहीं। अब देखिए उसका डांस देखिए डांस करता है, और उसका ना डांस का फेवरेट सॉन्ग है क्या है वो भारत का बच्चा बच्चा सॉन्ग पे ना वो बहुत डांस करता है, उसको बहुत पसंद है। अब देखिए कितना स्माइल करता है ना बच्चा, कितना क्यूट सा है ना। अभी उसको ना 14 महीना ही हुआ है, मगर इतना परेशान करता है हम सबको, सच हम बोल नहीं सकते उसके बारे में। और अभी देखिए आयुष भी फ्रेशअप हो गया है, अभी उसको दूध पिलाना है, दूध पी के ना बहुत थोड़ा सा खेलेगा। अभी देखिए उनका आयुष को पापा भी आ चुके हैं, और आने के बाद
उसका नौटंकी फिर से शुरू। देख चुके हैं ना ये कितना परेशान करता रहता है मुझे। और ये है कुछ ना कुछ काम करता ही रहता है। आज इसका पापा भी आए और मुझे हाय बोल के चले गए, मुझे नहीं बोले, वो कैमरा को देख के हाय बोल के चले गए। और देखिए यहाँ पर मम्मी में बेटा का प्यार नज़र आया ना। अभी ना मेरा आयुष मुझे खिला रहा है बिस्कुट, मैं उसको बिस्कुट दी तो वो मुझे ही खिला रहा है बिस्कुट, और खुश हो गया। और उनके पापा और उसके मस्ती शुरू हो गई। अभी जब भी ना उनके पापा आ जाएंगे तो आयुष उनके पास ही रहता है और खेलता रहते हैं, दोनों ही खेलते रहते हैं। अब देखो कैमरा, ये ना एक नंबर का कैमरा पागल है, सच में इतना पसंद है उसे आना, उतना पसंद है उसके साथ खेलते खेलते। अभी आयुष भी सो गया है, थोड़ी देर के लिए सोया है, और तो सोया है तो मैं सोची कुछ कपड़ा है इसको फोल्ड कर दूँ, तो बहुत सारा कपड़ा था, एक एक फोल्ड कर रही हूँ। और उसके साथ साथ अभी उड़ चुका है वो आयुष भी, और वो आयुष के पापा और वो खेल रहे हैं दोनों। और तो मैं अभी दोपहर का खाना बना रही हूँ, गोभी और आलू की सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई मसाला वसाला नहीं है उसमें। रोज़ रोज़ इतना मसाला खाने से अच्छा नहीं लग रहा है, तो सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसको इसके लिए मुझे जल्दी जल्दी गोभी को उतारना है। अभी देखा आयुष खेल रहा है, अभी अकेले के पापा थोड़ा बाहर गए थे तो ये खेल रहा है यहाँ पर बैठ के। तो गोभी आलू हो गया सब्जी, अभी सब्जी बनाने के तड़का लगा रही हूँ, ये सब हो गया। आयुष ना अब दौड़ दौड़ के ना यहाँ पर आएगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता है। अभी ना स्विच को लग रहा है, देखो मुझे रोज़ डर लगता है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता रहता है, स्विच का पर करंट का चीज़ पकड़ता रहता है। अभी देखिए फाइनल मेरा हो गया है सब्जी, अच्छा भी लग रहा है। अभी खा चुके हैं अभी, और आयुष का नौटंकी शुरू हो गया है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा गाइस, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बरसापत्र ब्लॉग चैनल पे मेरा चैनल है, और जल्दी से जाके बेल आइकन को दबा दीजिए, जो कि मेरा नया नया वीडियो आप लोगों के पास जल्दी जल्दी आ सकते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो जल्दी से देख सकते हैं। और तो कल के लिए नया वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जरूर मिलने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही था, तो चलो कल मिलते हैं, आज के लिए बाय बाय।